भगवान राम सीता जी को कभी गाली नहीं दिए हैं, आप लोग गाली दे देते। पत्नी का भी ध्यान है कि पति से प्यार से बोलना चाहिए, चलते रहते ठंडा कितना खाए, पति के दिन नहीं खेते, पत्नी के दिन नहीं खेते, तो हम खेती नहीं करते, अपना नहीं है खेते, हम कभी खेते, हम वो नहीं खेते, सब एक धड़ी है। जब जब बढ़िया होते पति के दिन चलो तो तुम चारो चीज खा रहे तो ठीक है, ये हम बोलते तब हम वो जब रखा कर बोले नहीं हम से बैठले रे बैठ बैठ रहिया कौन है या सब लोग रहते रात है इस जीवन में चाहिए सबसे पहले पति को प्रेम से बोलना चाहिए, पत्नी को भी प्रेम से बोलना चाहिए, ये है जीवन जीने की कल्पना। पति जब सत्संगी है तो पत्नी को भी सत्संगी बनना चाहिए, पत्नी सत्संगी हो जाए पति भी सत्संगी बनेगा। लेकिन कुछ लोग हैं पति पैसे ना भाई भाई पत्नी नहीं, एक बहन पति के गए हैं बड़ा संगम बिहार में, पति के गए बिहार की दिक्कत, पत्नी के गए हम जानती हूँ तो सत्संगी पति के लिए सत्संगी करनी है, जमीन में बदन में जम्पा में सुंदर में भैंसे लागे जान में लागे भुट्टा बड़ो बड़ो में पत्नी के गल के पति के मछली कचड़ी नहीं खा, बोलो कौन बाबा इच्छा से हो, बोलो हरिवंदन बाबा इच्छा से हो, हामिद बाबा इच्छा से हो, वेदानंद बाबा चतुरानंद बाबा चतुरानंद बाबा सत्यानंद बाबा सत्यानंद बाबा धर्म स्वरूप साहब से इच्छा से हो, रामानंदी मत प्रतीक्षा से हो, शिव शिष्या पट हो, बोलो या चर्चा कर घोषणा कर दियो। पत्नी के लिए दीक्षा नहीं ले, हम लोग मछली खाई की इच्छा कर रहे, पति जी जे हाथ दल के तीन स्वतंत्रता निकाल लगे बाजार गले मछली लिए लगे रात बना खेल के भियोन के दूसरा कलम ये कहल गए दीदी है तीन साल से मछली नहीं खेले नौ दीदी पंजरा छठी बैठी दीदी जिंदगी पति पत्नी वैष्णव होना चाहिए, धन पैसा है तो दुरुपयोग मत कीजिए, सदुपयोग।